हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का हिंदी सेकंड स्टैंडर्ड का बाल भारती का लेसन नंबर 4 घर, उसका स्वाध्याय। तो चलो चले शुरू करते हैं स्वाध्याय। पहला है क्वेश्चन, सुनो समझो और दोहराओ। मतलब सुनना है, समझना है, दोहराना मतलब रिपीट करना है। बच्चों आपको मेरे पीछे लाइन को रिपीट करना है, तो मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करिए। चलिए, पहला, अपना घर साफ सुथरा रखो। साफ सुथरा का मतलब होता है क्लीन। हमें अपना घर क्लीन रखना चाहिए। साफ़ सुथरा क्यों रखना चाहिए बच्चों? क्योंकि अगर हम लोग साफ़ सुथरा रखेंगे घर को, तो हमारे घर में गंदगी नहीं होगी, कोई मच्छर नहीं आएंगे, बीमारी नहीं होगी, तो हम लोग अच्छी सेहत होगी, हम लोग ठीक रहेंगे। तो घर हमारा साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है, तो हम खुश भी रहेंगे। क्योंकि साफ़ सुथरा जब क्लीन घर होता है तो हम खुश हो जाते हैं, और जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है अपने घर को देखकर। सेकंड है, फलक पर लिखे अक्षर ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे क्या है, फलक पर लिखे मतलब जो बोर्ड पे अक्षर लिखे हुए हैं उसे ध्यान से देखकर पढ़ना है। तीसरा, छत पर धीरे धीरे चढ़ो। छत पर धीरे धीरे चढ़ो का मतलब है कि हम छत पे जा रहे हैं सीढ़ियों से, तो धीरे धीरे चढ़ना है सीढ़ियों से, जैसे हम लोग गिर न जाएं, इसके लिए धीरे धीरे संभल कर चढ़ना है। उसके बाद है चौथा, बगिया के फूल मत तोड़ो। बगिया मतलब गार्डन, गार्डन के जो फ्लावर्स हैं, फूल है, नहीं तोड़ो, मतलब मत नहीं तोड़ो, क्योंकि गार्डन के जो फ्लावर्स होते हैं वो उसकी ब्यूटी होती है, उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं फ्लावर्स, तो हमें फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे गार्डन ब्यूटीफुल लगे। अभी सेकंड है, प्राणियों की बोलियों की नकल करो। मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, बोली मतलब उनकी जो आवाज़ है वो हमें निकाल के बतानी है। जैसे अब पहले पढ़ती हूँ मुर्गा, तो मुर्गा क्या करता है सुबह उठ के, कुकड़ू कू ऐसे करता है मुर्गा, तो हमें मुर्गे की आवाज़ निकालनी थी। सेकंड है कुत्ता, कुत्ता कैसे आवाज़ निकालता है, भौं 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 भौं, ऐसे कुत्ता भौं भौं आवाज़ निकालता है। तीसरा है बिल्ली, बिल्ली कैसे आवाज़ निकालती है बच्चों, मियाऊ मियाऊ, बिल्ली ऐसे आवाज़ निकालती है। उसके बाद है शेर, शेर कैसे आवाज़ निकालता है बच्चों, हा, तो शेर ऐसे आवाज़ निकालता है। उसके बाद है बकरी, मे 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 ऐसे बकरी आवाज़ निकालती है। उसके बाद है कौआ, कौआ क्या करता है, काय 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 ऐसे आवाज़ निकालता है, तो हमें भी ऐसे एनिमल्स की आवाज़ निकाल के बतानी है। उसके बाद है घर में बनाए जाने वाले पेय पदार्थों के नाम बताओ। अब हमारे घर में पीने वाले पेय मतलब पीने वाले जो लिक्विड्स होते हैं उनके नाम बताने हैं। हमें घर में बहुत सारे पदार्थ, पेय पदार्थ बनते हैं पीने वाले, उसमें से हमें कुछ पदार्थों के नाम लिखने हैं। पहला मैंने लिख कर रखा है आप लोग के लिए, चाय। चाय सबको बहुत पसंद होती है, सुबह उठते तो हम लोग चाय पीते हैं, तो पहला मैंने लिखा है चाय। चाय गर्म पदार्थ है, गर्म पेय पदार्थ है। दूसरा कॉफ़ी, कॉफ़ी भी सबको बहुत पसंद आती है। तीसरा लिखा है मैंने लस्सी, लस्सी तो ठंडी ठंडी होती है और ठंडी पीना ही हम लोग पसंद करते हैं। उसके बाद है आम रस, आम का जो रस होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है, वो भी ठंडा पिया जाता है। तो ये मैंने आप लोग के लिए लिख कर रखा है, आप इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हो, आप अलग भी लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो शरबत। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, चढ़ से चढ़ाई शब्द बना है, इसी तरह शब्द बनाओ और लिखो। अब यहाँ पे बच्चों चढ़ से चढ़ाई बन गया, मतलब यहाँ पे
आ मात्रा डाला और बड़ी ई डाला तो चढ़ाई शब्द बन गया। इसी तरह से हमें भी शब्द बना के लिखने हैं। अब यहाँ पे पहला शब्द है बड़, तो उसमें एक लाइन आ की मात्रा जोड़ी, एक लाइन डाली और ई बड़ी लिखी तो बन गया बड़ाई, बड़ाई। तो एक आ की मात्रा जोड़नी है और ई जोड़नी है तो बन गया बड़ाई। उसके बाद है बुन, तो बुन को आ की मात्रा जोड़ी, न को और बड़ी ई लगाई तो बन गया बुनाई। उसके बाद है पढ़, पढ़ में यहाँ पे आ की मात्रा जोड़ी और बड़ी ई लगाई तो बन गया पढ़ाई। उसके बाद है कट, कट में आ की मात्रा जोड़ी और बड़ी ई लगाई तो बन गया कटाई। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन बच्चों, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। अब यहाँ पे बच्चों वर्णमाला के वर्ण दिए गए हैं, हमें मैं पढ़ती हूँ, ओ अन ए औ अ ए अह और अं। तो अभी हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जो गए हैं वर्ण दिए गए हैं, यहाँ पे जो वर्ण दिए गए हैं वो आगे पीछे हैं, बराबर नहीं है, तो हमें बना के रखने हैं, आगे पीछे को ठीक तरह से बना के रखना है यहाँ पे जो वर्ण दिए गए हैं। अब पहले आता है अ, वर्णमाला में स्वर में पहले आता है अ, पर यहाँ पे अ है ही नहीं, फिर आता है आ, आ भी नहीं है, फिर उसके बाद ई छोटी, फिर बड़ी ई, वो इसमें नहीं है। उसके बाद आता है ए, तो यहाँ पे ए है बच्चों, तो यहाँ पे जो ए है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आई, इसके बाद ये देखिए यहाँ से ए आई वो लिखेंगे। उसके बाद है ओ, यहाँ से देखिए ओ शब्द लेंगे और यहाँ पे हम लोग ओ लिखेंगे। ओ के बाद आएगा औ, फिर उसके बाद आएगा अंग, उसके बाद आएगा अह, उसके बाद है अन, चांद बिंदु वाला अन, ये जो अन है वो चांद बिंदु वाला है, इसके लिए अंग चांदी बिंदु वाला, अन चांद बिंदु वाला लिखेंगे। उसके बाद है अ, तो ये अ लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कबीर है, कबीर हमें बोल रहा है कि वर्णमाला सुनाओ, अब हमें कबीर को वर्णमाला सुनानी है। उसके बाद मीरा बोल रही है, तुम्हारे घर में कौन से पालतू जानवर हैं? पालतू जानवर वो होते हैं बच्चों जो हम अपने घरों में रखते हैं, तो मीरा हमसे पूछ रही है कि हमारे घर में कौन से पालतू जानवर हैं। तो यहाँ पे हमारे घर में जो भी पालतू जानवर हैं, अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं बच्चों तो आप यहाँ पे बता सकते हो। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।